शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फरवरी महीना साल 2022 का राशिफल। तो फरवरी का महीना कैसा जाएगा ये आपको बताएंगे, साथ में कुछ उपाय बताएंगे जिससे यदि आप करते हैं तो आपका अच्छा ही होगा। और बताने से पहले मैं ये बता दूं कि यदि आप स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स लेना चाहें तो आप omja.com या shivagu.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्यून ऑथेंटिक लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी। तो चलिए मेष राशि के जातक हम आपको बताते हैं। देखिए, फरवरी के महीने में आप व्यस्त रहेंगे, आपको उन लोगों के बारे में या उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो आपके पास हैं, जो आपका ख्याल रखते हैं। आपका स्वास्थ्य और आराम दोनों ही इम्पॉर्टेंट होंगे इस महीने आपके लिए। आपका जीवन निश्चित रूप से अपने दोस्त और अपने परिवार वालों पर ध्यान देने के लिए बना हुआ है और लोग आपकी सराहना करेंगे। काम पर आप सबकी मदद करेंगे। 19 जनवरी से 21 फरवरी तक शनि अस्त रहेगा, जिसकी वजह से कार्यों के पूर्ण होने में विलंब का सामना करना पड़ सकता है, परंतु 21 फरवरी के बाद शनि उदय के साथ सभी अधूरे कार्य पूर्ण हो जाएंगे, तो मतलब इतना ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। इस अवधि के दौरान मेष राशि के व्यापारी जातकों के उच्च कोटि के लोगों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, जिसका लाभ आपको अपने व्यापार में देखने को मिलेगा। महीने की शुरुआत पारिवारिक जीवन के लिए अच्छी रहेगी और पूरे महीने प्रेम बना रहेगा। हालांकि माह के मध्य में सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है, लेकिन बड़े बुजुर्गों के हस्तक्षेप से वो जल्दी ही सुलझ भी जाएगी। आप किसी रिश्तेदार के साथ मिलकर कुछ नया शुरू करने का प्लान भी कर सकते हैं। चचेरे भाई या बहन के साथ संबंध मजबूत होंगे और आप उन्हें अच्छे से जान पाएंगे। दूर के किसी रिश्तेदार का स्वास्थ्य खराब रह सकता है और उनके जीवन पर भी संकट आ सकता है। माता पिता आपसे किसी बात की आशा रखेंगे, तो ऐसे में उनसे खुलकर बात करें और सभी का सम्मान करें। व्यापारी हैं तो इस माह खर्चे अधिक होंगे और आप अपने व्यापार को बढ़ाने पर जोर देंगे और इसके लिए कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। परिवार में सभी के साथ इसको लेकर चर्चा भी आप करेंगे। आपका कोई अपना इसमें सहायता भी करेगा। व्यापार को लेकर शंका में भी रहेंगे, लेकिन भविष्य की दृष्टि से यह शुभ फल देने वाला होगा। सरकारी अधिकारी इस माह अपने काम को लेकर खुश होंगे और कार्यालय में उनको लेकर सकारात्मक माहौल बनेगा। सभी आपके काम से खुश दिखाई देंगे। हालांकि निजी नौकरी कर रहे लोगों को माह के मध्य में किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सहकर्मी आपके काम से खुश दिखाई नहीं देंगे और उनके द्वारा आपका हित करने का भी प्रयास किया जा सकता है। मेष राशि के जातक छात्रों की बात करें तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र इस माह अपनी पढ़ाई के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं। उनकी परीक्षा भी आयोजित होगी और ऐसे में पूरा ध्यान उसी ओर होगा। मन को विचलित होने से रोकें, अन्यथा परिणाम विपरीत हो सकता है। यदि स्कूल में है तो कैरियर को लेकर किसी का मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन वह पर्याप्त नहीं होगा। कॉलेज के छात्र अपने लिए कुछ नया करने की सोचेंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। किसी कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है तो उसमें लाभ मिलेगा। यदि आप एक से ज़्यादा भाषा बोलने में एक्सपर्ट हैं तो आपको उस क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है। होटल मैनेजमेंट के छात्र इस माह अपना पूरा ध्यान रखेंगे। कुछ बातों को ध्यान भी रखना है जो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। इस महीने मेष राशि के जातक स्वास्थ्य के हिसाब से बीपी थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा आपको, अपना ध्यान रखें और डॉक्टर के संपर्क में रहें, अन्यथा स्थिति बिगड़ सकती है। किसी चीज से एलर्जी है तो उसको भी ध्यान बनाए रखें। शारीरिक रूप से कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन माह के मध्य में सिर दर्द की शिकायत रह सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा जो माह है
वो ज़्यादा मतलब बुरा नहीं कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, प्यार मोहब्बत की। देखिए, यदि आप किसी के साथ एक वर्ष से ज़्यादा का समय से रिलेशनशिप में हैं, तो ये माह आप लोग दोनों के लिए शुभ नहीं है। आप दोनों के बीच कोई तीसरा व्यक्ति आ सकता है जिसके द्वारा दरार डालने का प्रयास किया जाएगा। सिंगल हैं तो सोशल मीडिया पर ही किसी के प्रति आकर्षण का अभाव आएगा और उनके साथ सकारात्मक बातचीत भी शुरू हो जाएगी। विवाह को यदि अभी कुछ ही समय हुआ है तो अपनी पत्नी का ध्यान रखें, क्योंकि उनकी आपसे किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। जिनके विवाह को ज़्यादा समय हो गया है, उन्हें अपने जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा और दोनों के बीच प्रेम में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपने स्वास्थ्य की तरफ, क्योंकि इस दौरान सिर दर्द के साथ मन में बेचैनी, अशांति, घुटन इत्यादि की समस्या परेशान कर सकती है। और इस स्थिति से बचने के लिए सुबह के समय कम से कम आधा घंटा प्राणायाम करने की आदत डालेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम उपाय बताएंगे, आपके लकी कलर भी बताएंगे, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से आप याद रखिएगा। देखिए, चांदी की एक छोटी कटोरी खरीद कर उसे हर समय, या थोड़ा सा आप कॉइन खरीद लीजिएगा, अपने बटुए या पर्स में रखिए। ये लाल किताब का एक प्रभावी उपाय है जिससे आप कर सकते हैं। यदि मुमकिन हो तो गुरुवार का व्रत भी रखिएगा, ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। लकी कलर हम आपको बता देते हैं। फरवरी माह के लिए मेष राशि का शुभ रंग ग्रे रहेगा, तो इस महीने ग्रे रंग को आप प्राथमिकता दें। नहीं पहन सकते हैं तो ग्रे रंग का रुमाल रखिएगा। और आपके लिए शुभ अंक जो होगा फरवरी माह में, वो होगा 3 अंक। कुछ बातें भी आपको ध्यान देनी है जो मैं आपको बता देते हैं। समय समय पर अपने आसपास के निर्धनों की यथोचित सहायता करें और भूखे को भोजन अवश्य कराएं। उसके बाद घर के बाहर गाय कुत्तों को प्रतिदिन कोशिश कीजिए भोजन अवश्य कराने का, और साथ ही घर के छत पर पक्षियों के लिए आप दाना पानी का इंतजाम कर दीजिए, क्योंकि उनका भी हमारे खाने पर अधिकार है। हर मंगलवार सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या हनुमान मंदिर होकर आइए। इससे आप पर या आपके परिवार पर किसी भी प्रकार का आया हुआ संकट आपको परेशान नहीं करेगा। रात को सोने से पहले शांत और एकांत जगह में 10 से 20 मिनट के लिए ध्यान अवश्य लगाइए। इससे 2 लाभ मिलते हैं, एक तो नींद अच्छी आएगी और दूसरा अगले दिन आप तरोताजा महसूस करेंगे। ध्यान लगाते समय आप मध्यम आवाज की संगीत भी सुन सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन योग अवश्य करें, जिनमें मुख्यतः 10 मिनट के लिए ओम का उच्चारण कंपलसरी रहेगा आपका। और जितना आप शांत रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप अपने से घर से कहीं दूर रहते हैं तो अपने पड़ोसियों या मकान मालिक के साथ उलझने से बचें, अन्यथा स्थिति बिगड़ जाएगी और बात फिर क्या पुलिस कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएगी। तो अपने व्यवहार को आप संतुलन में रखें, यह ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।